हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमृत रेसिपीज में। सांभर कई तरीकों से बनाया जाता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए आपका सांभर होटल से भी टेस्टी, हेल्थी और आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर बनाते हैं सांभर। इसके लिए मैंने एक कटोरी तुअर की दाल ली है। दाल को आधे घंटे के लिए भिगो लेंगे। यह देखिए, ये सॉफ्ट हो गई है। एक कुकर में एक कटोरी भिगी हुई दाल डालेंगे और चार कटोरी पानी डालेंगे और दाल में नमक और हल्दी डालेंगे और ढक्कन लगाकर गैस पर चढ़ा देंगे। सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। कुकर ने सीटी बजा दी है। अब दो तीन सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे और तुड़के की तैयारी कर लेते हैं। गर्म तेल के अंदर राई, जीरा और जे मैं हींग डाल रही हूँ। खड़ी लाल मिर्च डालेंगे, आप चाहे तो कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता डालेंगे और इसको हम तड़का लेंगे। तुड़के में अब मैं कटी हुई सब्जियां डालूंगी। मैं गाजर, लौकी, शिमला मिर्च डाल रही हूँ। आपके पास सीजन के हिसाब से जो भी सब्जी घर में उपलब्ध हो आप उसको काट के डाल सकते हैं। सब्जियों को तुड़के के अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने इसके अंदर घिसा हुआ अदरक भी डाला है और उसको हिलाएंगे और फिर उसके अंदर हम नमक डालेंगे, सांभर मसाला डालेंगे। आपके पास जो भी सांभर मसाला है घर में बना हुआ या बाज़ार का आप डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच डाला है। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसके अंदर अब पानी डालेंगे। सब्जियां पूरी तरह पकी होनी चाहिए। आप चाहे तो पानी डालने के बाद इसको कुकर में डाल के एक सीटी दिला सकते हैं। सब्जियां पक जानी चाहिए सांभर डालने से पहले। अब ढक्कन लगा के सब्जियों को अच्छे से पका लेंगे। अब दाल का क्या हाल चाल है ये देख लेते हैं। ये देखिए, हमारी दाल पक गई है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा गर्म पानी ऐड करूंगी क्योंकि सांभर के लिए दाल हमेशा पतली ही चाहिए। ये देखिए, हमारी दाल कितनी कलरफुल और सुंदर लग रही है। अब हमारी सब्जियां पक गई है। अब हम इमली डालेंगे जो बहुत ही जरूरी है सांभर के अंदर। ये देखिए, मैं इमली का पानी सब्जियों के अंदर डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अब दाल और सब्जियों का मिलन होने वाला है। अब हम सब्जियों के अंदर पकी हुई दाल डालेंगे और ये देखिए, हमने दाल डाल दी है और इसको हम अब पकाएंगे। ये देखिए, हमारा सांभर कितना सुंदर टेस्टी उभर के कलर आ रहा है और लगभग रेडी हो गया है। अब हम हल्का सा इसके अंदर गुड़ डालेंगे, अगर थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही डालना है, और इसको पकाएंगे और हमारा सांभर बन के रेडी हो गया है। जो गुड़ है ये धीरे धीरे पिघल जाएगा और अपना टेस्ट देगा। खट्टा, मीठा, चटपटा, मसालेदार सांभर हमारा बन के रेडी हो गया है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।